राष्ट्रपति लड्डू विवाद में नया मोड़। टीडीपी ने कहा बिना घोषणा पत्र एंट्री नहीं। राजनीति या धर्म, फंसे जगन, देना ही होगा आस्था का घोषणा पत्र। देखिए तिरुपति लड्डू विवाद पर बड़ी अपडेट। जगनमोहन रेड्डी कल यानी कि 28 सितंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन करने का नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस और पूर्व मुख्यमंत्री को तिरुमाला जाने से पहले रेणुगुंटा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद नोटिस भी जारी कर सकती है। इसमें ये मांग की जाएगी कि वे भीड़ न जुटाएं। इधर आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई हुई 9 सदस्यों वाली एसआईटी ने तिरुपति के प्रसादम में एनिमल फैट पाए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी को गुंटूर रेंज के आईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी लीड कर रहे हैं। लड्डू विवाद तब शुरू हुआ जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को ये आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया था। वहीं जगन के यहाँ पहुँचने से पहले ही एक नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में जगन के लिए राजनीति या धर्म का चुनाव मुद्दा बन रहा है। जगन के 28 सितंबर को पूजा के ऐलान के बाद टीडीपी ने कहा कि उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब वे मंदिर के उस घोषणा पत्र पर साइन करेंगे जिसमें लिखा हो कि उन्हें भगवान बालाजी पर विश्वास है। पार्टी का आरोप है कि इतने साल से वे साइन किए बिना ही मंदिर में गए हैं। मई 2012 में जगन तब कड़प्पा से सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके साथ कई कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे थे। किसी ने भी घोषणा पत्र पर साइन नहीं किया था। उसके बाद से लगातार ऐसा ही हुआ और घोषणा पत्र पर साइन नहीं किया गया, तो ऐसे में अब टीडीपी ने विवाद खड़ा कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी कल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को दर्शन के लिए जा रहा है और वो पैदल 7 हिल्स का पैदल जाके भगवान कने उन्होंने जा रहे। हम एक ही पूछ रहे, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप हिंदू है? नहीं, आप क्रिश्चियन है? आपका आंट विमला रेड्डी, उसका बायोग्राफी में, वो पूरा बायोग्राफी में 1924 में वाईएस फैमिली क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस हो गया और क्रिश्चियंस होने के बाद वो पूरा फैमिली, वो पूरा समस्तान, पूरा उन लोग का शादी, जगनमोहन रेड्डी का शादी, जगनमोहन रेड्डी दीदी का शादी, वाईएस राजशेखर रेड्डी का शादी, सब शादी क्रिश्चियनिटी का उस हिसाब से शादी हुआ और उसका वाईएस राजशेखर रेड्डी, वाईएस विवेकानंद रेड्डी मरने के बाद भी क्रिश्चियन इसमें उन लोग का दहन संस्कार हो गया। हम लोग एक ही पूछ रहे, आपका बीबी क्रिश्चियन है, आप हिंदू है? आपका बीबी क्रिश्चियन है, आप हिंदू है? क्रिश्चियन वोट्स के लिए आपका बीबी जाएगा, हिंदू वोट्स के लिए आप आएगा? किसको किसको ये कर रहे, किसको ये फालतू जैसा काम क्यों कर रहे भगवान का नाम से? ये ठीक नहीं है। डिक्लेरेशन बराबर साइन करना पड़ता मंदिर में, सोनिया गांधी, अब्दुल कलाम, फारूक अब्दुल्ला, ऐसा बड़ा बड़ा आदमी भी डिक्लेरेशन में साइन किया, सो आप भी साइन करना पड़ेगा, नहीं साइन किया तो अंदर जाने के मना करेगा।